रसोई और बच्चों के बाहर भी कोई दुनिया है, ये पता ही नहीं था। चलो आ जाओ। रोज एक नई चीज सीखने से डर लगने लगा था, पर घर तो जलाना ही था। सोचा मेरे शौहर की होटल फिर से शुरू कर दूं, पर खाने का कारोबार चलाना, खाना पकाने जितना आसान होता तो बात ही क्या थी। राज्य सरकार ने स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए केंद्र सरकार से सुरक्षा बढ़ाने की मांग की, पर सरकार किसी नतीजे तक पहुंचती तब तक काफी देर हो चुकी थी। 4:30 बज गए और देखते ही देखते 450 साल पुरानी इमारत आंखों के आगे ढह गई। देश के कई हिस्सों में दहशत का माहौल फैला हुआ है। प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों से अनुरोध किया है कि वे शांति बनाए रखें। आज के मुख्य समाचार यही समाप्त हुए। मुंबई में आज एक सांप्रदायिक दंग पकड़ लिया है। देर रात कुछ मुसलमान युवकों ने हिंदू बस्ती में घुसकर आग लगा दी। बॉम्बे erupts into the most horrific riots ever. Hindus attacking Muslims and Muslims attacking Hindus. The incident of 6 December has left a permanent scar on the city's face. गली गली में दंगे भड़क उठे हैं। हिंदू मुसलमानों को काट रहे हैं और मुसलमान हिंदुओं को, और खून खराबा है जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। Bombay police have announced curfews in various sensitive areas. The maximum city has come to a grinding halt. As the riots took an ugly turn yesterday, rapid action force was called to control the situation. हेलो बेटा, इस वक्त बंबई में रहना महफूज नहीं है, तू बच्चों को लेकर यहाँ आ जा। घर वाले यहाँ है भाई। तू उन्हें भी साथ ले आ। वही तो मसला है, वो बंबई नहीं छोड़ना चाहते, मैं उन्हें नहीं छोड़ सकती। बेटा समझा कर। सारा दिन तुम लोगों की फिक्र रहती है। फिक्र मत कीजिए, दुआ कीजिए, मेरा मालिक मेरे साथ है, कुछ नहीं होगा उन्हें। The aftermath of clashes has claimed almost 350 lives. With the death toll rising every day, the law and order situation seems to be only theoretical.
series of 10 blasts in Bombay left 257 people dead and almost 700 injured. These blasts happened in India's commercial capital, namely the Bombay Stock Exchange, Worli Passport Office, Zaveri Bazaar, the Central Hotel and Lucky Petrol Pump. बम्बई शहर में इतना सन्नाटा शायद ही पहले कभी देखने को मिला हो। सुनसान सड़कें, खाली ट्रेनें, मानो ब्लास्ट के बाद सारा शहर सहमा हुआ है। कौन है? आपको बुलाया है। जल्दी, चलो जल्दी। मम्मी कहाँ जा रही है? जल्दी। मम्मी, मम्मी। ठीक से पढ़ाई करना। हसीना जी, ये जगह तो आपके लिए नई नहीं होगी। अरे, आपके अबू पुलिस में थे ना? पानी साथ लाई हूं। चाय? सवाल। हसीना जी, ये जो बॉम्बे में ब्लास्ट हुए, क्या लगता है आपको? ये कैसा सवाल है? इतनी जाने गई, बेशक पूरा लगेगा। क्या लगता है आपको, किसने करवाया? आप पुलिस में हैं, आपको जानना चाहिए। बिल्कुल। देखिए, हमारी रिपोर्ट कहती है कि ब्लास्ट की प्लानिंग दुबई में हुई थी। सवाल का जवाब सवाल से देना गैर कानूनी तो नहीं? बिल्कुल नहीं। पूछे। उसकी माँ और बहन के शहर में रहते हैं। आपको लगता है वो ऐसा करेगा? देखिए, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, पर वो सोने की तस्करी करता है, करता था। ये बीच चौराहे पर चलाकर कहने के लिए तैयार हूं, पर वो ये नहीं करेगा। आपके लिए बंबई शहर है, पर मेरे भाई के लिए उसकी पहली मोहब्बत। करार दे दिया है, पर उस देश के साथ हमारी कोई एक्सट्रैडिशन ट्रीटी ना होने की वजह से उनकी गिरफ्तारी पर आतंकवादी क्या होता है? साहब ने आपको बुलाया है। ब्रांच ब्लास्ट केस को सुलझाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। वो लगातार हसीना पारकर को पूछताछ के लिए बुला रही है। Thank you.
पार्कर की तरफ से क्राइम ब्रांच के हाथ ऐसा कोई ठोस सुराग नहीं लगा है जिससे पुलिस ये साबित कर सके कि उनका भाई भी बॉम्ब ब्लास्ट में शामिल था या नहीं। अब उनकी बातों में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ, ये या तो वो जानती है या उनका भाई। अरे कैसे, देखो अम्मी चलो ना खाना खाते हैं। अम्मी चलो ना, अम्मी भूख लगी है, चलो अम्मी, चलो खाना खाते हैं। अम्मी 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 क्या हुआ? अम्मी मुझे देना प्लीज। अरे मुझे देना प्लीज। नहीं तुम दोनों छोड़ोगे। हेलो, थक गई हूँ भाई। बेटा सब खैरियत तो है? घर पे कदम रखने से डर लगता है, रात को सोने में डर लगता है। पुलिस कभी भी पूछताछ के लिए बुलाती है, जो नहीं जानती वही सवाल बार बार, क्या बोलूं उन्हें। तू अपने भाई को जानती है? पुलिस वालों को तो बोल दो, बच्चों के सवालों का क्या जवाब दूं? दानिश पूछता है आतंकवादी क्या होता है, मामू रोज टीवी पर क्यों दिखते हैं, क्या बोलूं उसे। अल्लाह इम्तिहान उन्हीं का लेता है जिन पर उसे जीत का भरोसा हो, और मैं भी अपनी बहन को जानता हूँ, वो इतनी आसानी से हार नहीं मान सकती। तो हौसला रख और अपने मालिक और अपने भाई पर भरोसा रख। भाई आपने किया या नहीं? भाई आपको मेरा वास्ता, जो मैंने पुलिस से कहा वो सच था ना? भाई भाई देखिए, अगर आप कुछ जानती हैं तो छिपाइए मत। हमारे फोन टैप किए हुए हैं, इसलिए मैं आपसे तो ज्यादा नहीं जान सकती। ना ना, आपके ऊपर इल्जाम नहीं लगा रहा, आप उसकी बहन हैं। मतलब तो देश में जो बुरा हो उसके लिए आप मेरे ही भाई को जिम्मेदार ठहराएंगे? कल को आपके घर में किसी की दिल के दौरे से मौत हो जाए, उसमें भी कहेंगे कि मेरे भाई का हाथ है, और मुझे पूछताछ के लिए बुलाएंगे? अब क्या करें, आपके सारे भाई बहन तो देश छोड़कर चले गए, सिर्फ आप बॉम्बे में हैं इसलिए आपको बुला रहे हैं। मतलब अपने ही शहर में रहकर गलती हो गई? आप भी तो जा सकती थी, आपके भाई को तो भनक लग गई होगी कि उसका नाम खींचा गया। क्योंकि मेरे शौहर ही नहीं चाहेंगे, उनके बाद मुझ पर उनके घर वालों की जिम्मेदारी है। एक हफ्ते से उनको वक्त पर खाना मिलता है या नहीं, मेरे बच्चे सही सलामत स्कूल पहुंचते हैं या नहीं, कुछ नहीं पता, क्योंकि मेरी गलती ना होने के बावजूद मैं यहाँ के चक्कर काट रही हूँ। चुप, आवाज नीचे। प्यार से बात कर रहा हूं तो ये मत समझना कि बहुत इज्जत करता हूं तुम्हारी। एक हफ्ता क्या, एक महीना आना पड़ेगा अगर बुलाओ तो। ब्लास्ट का इल्जाम है तुम्हारे भाई पर, कोई देशभक्ति के काम का नहीं। बच्चों ने खाना खाया कि नहीं? अरे कई माँ बापों को उनके बच्चों की लाशें तक नहीं मिली है और यहां बैठकर आकर दिखा रही हो। पर मेरी क्या गलती है? यही कि तुम उसकी बहन हो और ये तुम्हें जिंदगी भर भुगतना पड़ेगा। जितनी जल्दी ये बात समझ लो तकलीफ उतनी कम होगी। परेशान करेंगे तो तब आपने तय कर लिया कि वो लोग आपको जितना नीचे गिराते जाएंगे आप उतना ही ऊपर उठती जाएंगी, और आपने वही किया जो आपके लिए सबसे आसान है।